जय गुरुदेव। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भावार्थी ध्यान के बारे में। परम पूज्य महर्षि महर्षि योगी जी ने भावार्थी ध्यान शैली की जो प्रक्रिया को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया, जो सरल, स्वाभाविक और प्रयासहीन है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में चेतना की उन उच्चतर अवस्थाओं की शक्ति का विकास हो सके जो उनमें सदा से ही निहित हैं। यह ज्ञान हमारे सामने यह संदेश लेकर आया है कि चेतना के उच्चतर अवस्थाओं का विकास ही सारी समस्याओं का एकमात्र निराकरण है। महर्षि जी का एक संदेश है कि जीवन जो है वो आनंद है। इस तथ्य की सराहना लोग तब करने लगे जब पूरे विश्व भर में अनेक लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास करने लगे। लोगों ने अनुभव किया कि भावातीत ध्यान के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य में सुधार होता है, उद्यम में अधिक सफलता प्राप्त होती है, बुद्धि का विकास होता है और पारिवारिक जीवन में भी सुधार आता है। महर्षि जी ने सदैव ही अपने ज्ञान के द्वारा हमें यह संदेश दिया है कि भावातीत ध्यान की प्रक्रिया क्रमबद्ध है और वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित भी है। इसके अभ्यास से मन विचारों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्तर का अनुभव करके जब विचारों के स्रोत तक पहुंचता है, तब वह अपने अंदर एक असीमित बोध, शुद्धि, बुद्धि, स्वा और पूर्ण सत्य को जानने लगता है, जहां से प्रकृति के नियम समस्त व्यक्तिगत जीवन की प्रक्रिया का संचालन तथा शासन करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भावातीत ध्यान एक अनुभव है। जैसे प्रेम, आनंद व सुख मन के भिन्न भिन्न अनुभवों की अभिव्यक्ति है, वैसे ही भावातीत ध्यान भी मन की ही एक अनुभूत है। भावातीत ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन और शरीर के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जो कि हमें उस स्तर तक ले जाता है जहां पर हमारे मन का सीधा संपर्क विचारों के स्रोत से हो जाता है। विचारों का स्रोत ही बुद्धि शुद्ध का क्षेत्र है। एक ही क्षेत्र को हम कई नामों से जानते हैं। इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन ये जो विचारों का स्रोत है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसे हम दूसरे शब्दों में भावातीत चेतना कहते हैं, उसे तुरीय चेतना भी कहते हैं। हम सैकड़ों विचारों का अनुभव प्रतिदिन रोज करते हैं, लेकिन यह विचार हमारे ही अंदर कहीं से उत्पन्न होते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे ही अंदर विचारों का स्रोत है और इन सभी विचारों और उनकी क्रियाओं के लिए ही उत्तरदायी है। चूँकि हमारे सारे विचार बुद्ध और शक्ति के कुछ अंश के पोषित हैं, इसीलिए अंतः बुद्धि और शक्ति के विचारों का स्रोत में ही है। यही विचारों के स्रोत या भावातीत चेतना के विशिष्ट गुण हैं। हम कह सकते हैं कि भावातीत ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भावातीत चेतना के उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां पर अनंत क्रिया शक्ति और बुद्धिमत्ता के इस क्षेत्र को अपने अंदर पाने के योग हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपने दैनिक जीवन में अधिक बुद्धिमान और शक्तिवान बन जाते हैं। इसलिए भावातीत ध्यान को सीखने के लिए हम लोगों से कहते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।